हेलो एन एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है गाइस। आज हम डिस्कशन करेंगे जो छत्तीसगढ़ के जो रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके जो सिलेबस है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हमने आरयू का जो सिलेबस है, मीन्स रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसका जो सिलेबस है उसको हमने अपलोड कर दिए। अभी तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। और जो आपका जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जो आपको कहीं भी यूट्यूब में पहले बात यूट्यूब में कहीं भी ढूंढेंगे ना, तो आपको जो सीजी का जो आरयूजी का जो सिलेबस है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को कई लोग बता रहे थे कि सर आरयूजी का सिलेबस भी अपलोड कर दीजिए, जब मैंने आरयू का अपलोड किया था, ठीक है। तो इसको भी मेरे को ढूंढने में बहुत दिक्कत हुआ, उसके बाद जाके मिला। उसके बाद भी जो आपका जो टाइपिंग है, देखना थोड़ा जो स्पेस है, जो जिन्होंने भी टाइपिंग किए होंगे उनने स्पेस नहीं दिया, ठीक है। तो मैं बताता जाऊंगा, आप एक बार सुनेंगे तो हो जाएंगे, ऐसे भी आप समझदार हो। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आरयूजी का। और आरयू का नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर का, ठीक है। और ये जो आपका सिलेबस है ये आपका 2017 का है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसी इसके बेसिस पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनरल जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन इंडिया छत्तीसगढ़ में के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपको प्रोडक्शन देखना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी देखना है, इन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। जो भी आपका एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर का जो हमारे छत्तीसगढ़ या इंडिया में जितना भी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और उसका इम्पॉर्टेंट देखना है, ये सारे चीज़ आपको देखना है। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट जो लिखा है। देन इसके बाद है आपका नेम ऑफ आईसीएआर, जितना सारे आईसीएआर के जो इंस्टीट्यूट होंगे फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड देयर एब्रिविएशन एंड लोकेशन, ये सारे चीज़ को आपको देखना है। ये सारी चीज़ आपका जनरल एग्रीकल्चर में आ जाएगा। देन आगे आपका नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एंड देयर लोकेशन, तो इतना सारे चीज़ आपका जनरल एग्रीकल्चर में आ जाएगा या हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपका दोनों में इसको दोनों के ओर से पूछा जाता है, वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों के जो पोर्शन है उसी में से पूछा जाएगा, टोटल आपका 10 नंबर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देन आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रजर्वेशन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर क्रॉप्स हो गया, तो ये सारे चीज़ आपको देखना है इसी के अंदर वैल्यू एडिशन के अंतर्गत। उसके अलावा आपको क्रॉप ड्राइंग, ठीक है, इसका क्रॉप जो ड्राइंग होंगे उसके बेसिक कंसेप्ट को, उसके बाद टाइप क्या है उसका, कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, वो सारे चीज़ आपको देखना है इसके अंदर। ड्रायर में आपको टाइप देखना है एंड उसका वर्किंग जो कार्य करता है वो सब आपको देखना है। उसके बाद आपका क्लीनिंग, ठीक है, सफाई करना, ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना ऑफ फ्रूट का वेजिटेबल एंड सूटेबल जो भी इक्विपमेंट होंगे, ठीक। आगे आपका स्टोरेज ऑफ हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये पहले आपका एग्रीकल्चर दिया है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्टोरेज और उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ देखना है। स्टोरेज में आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जितने सारे स्टोरेज का टाइप होते हैं उसको देखना है, साथ ही साथ उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होते हैं, वो सारे चीज़ आपको इसी के अंतर्गत देखना है। और इसमें से आपका 20 मार्क का पूछा गया था, ठीक है, ये आपका 2017 का सिलेबस है, तो आप इसके बेसिस पर तैयारी कर सकते हो। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, ठीक है, आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखना है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें ग्रीन हाउस को देखना है, ग्रीन हाउस का एप्लीकेशन कैसे है, टाइप देखना है उसका, डिस्क्रिप्शन देखना है, ठीक है, इक्विपमेंट देखना है एंड जितना सारे सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर ग्रीन हाउस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ना है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। इसमें से आपका कितना नंबर का पूछा गया था, 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक बहुत छोटा है बट आप यहाँ से स्कोर भी अच्छा कर सकते हो क्योंकि यहाँ से 25 नंबर का पूछा गया था। आगे जो टॉपिक है उसमें आपका सोयल एंड इट्स टाइप, सोयल पढ़ना है, उसका टाइप्स, रोल ऑफ सोयल एनालिसिस, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक। आगे सर्वाइंग, ठीक है, ये जो सर्वाइंग है आपका इंजीनियरिंग में आ जाता है, उसका टाइप देखना है, मेथड्स पढ़ना है एंड प्रोसेजर एंड इक्विपमेंट। आगे आपका सोयल इरोजन
में उसका टाइप देखना है एंड कंट्रोल, उसके बाद मेजरमेंट को देखना है, ठीक है। मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जो मेथड होता है इरिगेशन का अलग अलग जो टाइप होता है उसको देखना है, उसके बाद आपको ड्रेनेज देखना है, ये सब आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आगे इरिगेशन मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट या फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जितना भी आपका इरिगेशन का मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ देखना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। देन आगे आपका है इरिगेशन, उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट देखना है, मेथड, वाटर एंड आपका जो लिफ्टिंग जो डिवाइस होता है उसके बारे में देखना है। इस सारे चीज़ आपका इंजीनियरिंग में पोर्शन में कवर हो जाएगा। आगे इरिगेशन, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, जो इरिगेशन वाटर है उसका मैनेजमेंट करना, उसमें आपको मेथड देखना है और इंस्ट्रूमेंट देखना, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है। आगे नेक्स्ट, और इसमें से आपका 25 नंबर का पूछा गया था, ठीक है, नंबर को भी आप देखते जाएंगे। देन आगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आगे आपका प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे काम नहीं कर रहा, प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स एग्रीकल्चर हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, क्रॉप प्लांट यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन, उसके बाद इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ आपका ब्रीडिंग में देखना है, ठीक है। आप यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट में इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जो जिन्होंने भी टाइपिंग किया है वो जो स्पेस है दिए नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे। आगे यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ब्रीडिंग, ठीक है, ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ट्यूबर, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स एंड फ्लावर क्रॉप्स, इसमें सारे के सारे आपको ब्रीडिंग देखना है। इसके पूरा जितना सारे ट्यूबर हो गया, वेजिटेबल आपका, स्पाइसेस हो गया, कंडीमेंट हो गया, फ्लावर क्रॉप, सारे में देखना है। उसके बाद यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, ट्यूबर, स्पाइसेस एंड फ्लावर, इसमें आपका पूरे के पूरे जो बायोटेक्नोलॉजी उसका यूज़ करना है, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारे चीज़ आपको इसी के अंदर देखना है, ब्रीडिंग के अंतर्गत। इसमें से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे देखते हैं, देन आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ प्लांट डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड। देन आगे इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट इन फील्ड क्रॉप, ठीक है, उसके बाद मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, ये सारे चीज़ आपको एंटोमोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे देखते हैं, देन आगे सीरियल्स, पल्स एंड आपका जो ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है, ये सारे के आपको जो भी एंटोमोलॉजी उसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आगे दिया है आपका, देन आगे आपका वीड मैनेजमेंट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फील्ड क्रॉप इंटीग्रेट अप्रोसेस ऑफ वीड मैनेजमेंट इन क्रॉप, ठीक। आगे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड IPM इज इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिसेस है इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, डिजीज एंड मैनेजमेंट एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ये सारे के सारे आपका एंटोमोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद इंटरकल्चर एंड प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, ठीक है, वो सारे जितना भी आपका प्लांट जो प्रोटेक्शन का इक्विपमेंट हो गया उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है, एंड आगे जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, ठीक है, ये सारे के सारा आपका एंटोमोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देन आगे दिया है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रॉप इवोल्यूशन इन इंडिया, जितना सारे ग्रीन रिवोल्यूशन होते हैं, येलो रिवोल्यूशन, ये सारे चीज़ इसके अंतर्गत आपको देखना है। देन आगे स्कोप एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रोनोमी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप न्यूट्रेंट एंड इट मैनेजमेंट क्रॉपिंग सिस्टम, सारे चीज़ें आपका एग्रोनोमी का पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। भले आपका हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हो रहा है उसमें आपका एग्रोनोमी से भी पूछा जाएगा, ऐसे सिलेबस में दिया था, उसमें से आपका 30 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर का
पूछा भी गया था। ठीक है, आगे है एग्रो टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ठीक है, जितना सारे खरीफ और रबी क्रॉप है एग्रोनॉमी के अंदर का, तो सारे चीज़ आपको देखना है इसके अंदर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन इसके पूरे जो भी आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप होंगे उसका क्लासिफिकेशन, एरिया और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ आपको देख रहे हैं। नर्सरी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्लानिंग लेआउट, जितना सारा हॉर्टिकल्चर है उसका क्या देखना है आपको, प्लानिंग करना है, लेआउट बनाना है, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, टाइप ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग एंड पेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डन एंड आपका स्केपिंग ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये सारी चीज़ आपको देखना है। ठीक है, लैंडस्केपिंग देखना है, ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये सारे आपको हॉर्टिकल्चर में आ जाएंगे। ठीक है, आगे आपका यूज़ ऑफ ग्रोथ, जो भी ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे उसका यूज़ करना, ठीक है, जो भी रेगुलेटर्स होंगे इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। ठीक, आगे क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है, उसके बाद पेरी एंड जो पेरी एंड अर्बन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, फ्रूटनेस एंड अनफ्रूटनेस। ठीक है, जितना जो भी आपका फ्रूटनेस और अनफ्रूटनेस जो है उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपको, इसके अलावा आपका रेजुवेनेशन ऑफ ओल्ड आपका ऑर्चर्ड के बारे में देखना है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट वेजिटेबल ट्यूबर कंडीमेंट्स, ठीक है, उसके बाद आपका जो है ऑर्नामेंटल एंड फ्लावर क्रॉप्स, जितना सारा ऑर्नामेंटल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्लावर जो क्रॉप हो गया, एंड मल्चिंग देखना है, स्टैकिंग देखना है, मतलब मैक्सिमम जो चीज़ है वो सारे के सारे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्शन आपका क्या है एग्रोनॉमी से है। उसके बाद आपको एपिकल्चर देखना है, ठीक है, लैक कल्चर देना है, और सेरी कल्चर और मशरूम कल्चर, ये चार चीज़ आपको इसमें, ये भी आपका एंटोमोलॉजी के अंतर्गत ही आपको सारे मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, देन आगे आपका इंजीनियरिंग का पार्ट्स है फार्म मशीनरी, ठीक है, जो फार्म पावर उसमें पढ़ना है, उसमें सोर्स, आईसी, ठीक है, इंजन, टाइप ऑफ इंजन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको डिटेल्स इन जो आपका इंजीनियर जो टर्मिनोलॉजी है उसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है उसको आपको देखना है, डिफरेंट सिस्टम को देखना है, ठीक है, अलग अलग जो सिस्टम होता है ऑफ आईसी इंजन का। ठीक है, उसके बाद ट्रैक्टर देखना है, ट्रैक्टर में उसका टाइप पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर पावर्स टीलर, ठीक है, जो पावर टीलर होते हैं एंड इट्स अटैचमेंट, ठीक है, सारे चीज़ आपको इस इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखना है। ठीक है, उसके बाद टीलेज है, ठीक है, टीलेज में आपको क्या क्या देखना है, टीलेज में आपको उसका कंसेप्ट देखना है, टाइप पढ़ना है, टीलेज इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिटेल्स कंस्ट्रक्शन के पूरा जो भी निर्माण है उसके सारे डिटेल्स आपको पढ़ना है, मशीन्स, इसके अलावा मशीन्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर सोइंग प्लांटिंग, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ठीक है, उसको लैंड डेवलपमेंट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ देखना है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक जो मोटर्स होते हैं उसका टाइप देखना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखना है एंड परफॉर्मेंस देखना है, कंपैरिजन, ठीक है, ये सारे चीज़ आपका इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसमें से आपका 25 मीन्स 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, देन आगे आपका बेसिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी सोर्स क्लासिफिकेशन, सोलर इंजीनियर, ठीक है, सोलर एनर्जी, उसके बाद एनर्जी, देन आगे आपका बायोमास है, ठीक है, विंड एनर्जी है, बायोफ्यूल है एंड अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, देन आगे डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड जो भी आपका डिफरेंट अलग अलग इसके अलावा आपको क्या देखना है, जो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स होंगे एंड जो गैजेट्स होंगे, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, देयर टाइप्स, वर्किंग, ठीक है, ये सारे चीज़ को आपको देखना है। और इसमें से आपका कितना नंबर, 10 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि ऐसे भी समझ नहीं आया तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग जो किए थे वो
उन्होंने स्पेस नहीं किया जिसके कारण थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे इस तरह के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।